हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवन स्टडीज। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ रही हूँ गवर्नमेंट जॉब जो निकली है IOCL में, जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपको इस चैनल पे ना सिर्फ जॉब की अपडेट मिलेगी, बल्कि एग्जाम से रिलेटेड कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की, और जो आपका सिलेबस है उसकी सारी अपडेट्स और सारी टिप्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जॉब है हरियाणा की में, जो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ पे जॉब्स निकली हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ पोस्ट कितनी है। देखिए यहाँ पे 101 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है फिल करने की वो है 3 फरवरी 2018। सबसे पहले देखते हैं किन किन पोस्ट पे जॉब निकली है। सबसे पहली जॉब है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं डिटेल में कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब का एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। PO पानीपत रिफाइनरी पानीपत हरियाणा में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 ईयर BCOM चाहिए इनको। 3 ईयर की जो BCOM होती है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपकी कास्ट SC या PWBD में आते हैं आप तो 50% मार्क्स चाहिए। कितने वैकेंसीज है? 4 वैकेंसीज है। एज लिमिट है 18 to 24। एज ऑन 31/1/2018 31/1/2018 तक आपकी एज 18 से 24 तक होनी चाहिए। लास्ट डेट आपको मैंने पहले भी बताई है, 3 फरवरी है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आफ्टर सक्सेसफुल अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसमें ड्यूली साइंड बाय हिमसेल्फ टू द, उसके बाद उसे साइन करना है खुद, और उसके बाद उसे सेंड करना है DY जनरल मैनेजर, जो भी इनका HR है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी, यहाँ पे आपको वो सेंड करना है। पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स PO पानीपत, ये एड्रेस है। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए किसके नाम पे सेंड करना है, ठीक है, और किस एड्रेस पे सेंड करना है। ये कंप्लीट एड्रेस है, यहाँ पे आपको सेंड करना है। साथ में आपको क्या भेजना है, अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सारे, और फोटोग्राफ एज मैंशनड इन द चेकलिस्ट अटैच्ड। आपको साथ में चेक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे कि क्या क्या आपको सेंड करने हैं। आपने उन चेक लिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सेल्फ अटेस्ट करके बाय पोस्ट सेंड करना है, और ये बाय पोस्ट वहाँ पहुँच जानी चाहिए 17 फरवरी 2018 से पहले। कैंडिडेट शुड सुपर सब्सक्राइब द नेम ऑफ रिफाइनरी यूनिट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, ट्रेड कोड ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। आपने जो आपका एनवेलप होगा उसके ऊपर आपने क्लियरली मैंशन करना है कि आपने किस रिफाइनरी में सेंड करना है, कौन सी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपके ट्रेड का कोड क्या है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने क्या ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और ट्रेड का कोड क्या है, ठीक है। तो आपने वो मैंशन करना है अपने एनवेलप पे और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 3 फरवरी है, और सेंड करने की लास्ट डेट क्या है, 17/2/17, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप जरूर चेक कीजिएगा, अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। सबसे पहले, ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल द एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट को क्लियरली रीड कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। और द अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट शैल बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटीज, ठीक है। और जो आपका अप्रेंटिस एग्रीमेंट है उसको भी आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है। देखिए ये है इसकी एप्लीकेशन, जो आपकी नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को चेक करिए बिल्कुल अच्छे से, आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है, इसको फिल करने से पहले। चलिए अब बढ़ते हैं अगली पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है। ये पोस्ट देखिए एड्रेस सेम है, पानीपत हरियाणा में ही इसकी आपकी पोस्टिंग होंगी। इसके लिए चाहिए 3 साल की BA या फिर BSc या फिर BCOM, ठीक है। अगर आपने BA, BSc और BCOM तीनों में से कोई भी एक चीज़ की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल एज लिमिट है, वैकेंसीज 7 हैं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 3/2/2018 है। बाकी प्रोसीजर सेम है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सेंड कर देना है, ठीक है। एड्रेस आपको मेंशन होगा, आप जरूर नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, नोटिफिकेशन पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस पे सेंड कीजिएगा
17 फरवरी से पहले। अगली पोस्ट पे चलते हैं, ये था ट्रेड अप्रेंटिस सेक्टोरियल जर्नल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, बीए बीएससी या बीकॉम विद 55% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन की। जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में आपको मिल जाएंगी, देखते हैं कितनी पोस्ट है, 37 पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए केमिकल या रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने बीएससी की है विद मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ के साथ आपको क्या चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर है मिनिमम 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंज एक्सेट्रा, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और 37 पोस्ट टोटल हैं। और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20/1/2018। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट बॉयलर की, उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट ट्रबाइन की, जूनियर कंट्रोल रूम ऑपरेटर की, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट हैं इनमें आपको क्या चाहिए, इनमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मैं बता दूं क्या है। ठीक है, यहाँ इनकी जो पोस्टिंग एड्रेस है वो है बिहार, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉयलर के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बाकी आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी जब आप इसमें जैसे ही आप नोटिफिकेशन रीड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बीएससी की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद पीसीएम। ठीक है, लेकिन आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए बॉयलर ट्रेड में, और उसके बाद इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए फॉर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग द डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, उन सबको मिनिमम आपके पास देखिए क्या है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसे आप बॉयलर को पे वर्क करेंगे। ठीक है, अप्रेंटिस होगी 1 साल का, आपको बस इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी पोस्ट है ठीक है, जूनियर असिस्टेंट टर्बाइन की, जूनियर कंट्रोल रूम ऑपरेटर की। कंट्रोल रूम ऑपरेटर की पोस्ट देखते हैं कहाँ पे है, ये भी बिहार में है, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ 50% मार्क्स। तो ये है पोस्ट जूनियर कंट्रोल रूम एनालिस्ट, जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट एंड जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट। उसके बाद आएगा इंजीनियर की पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट, ये 32 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट Grade 1। इन सब पोस्ट के लिए आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। तो ये जॉब निकली थी IOCL में। ठीक है, इनमें से जो स्टार्टिंग वाली पोस्ट है ठीक है अप्रेंटिसशिप वाली, वो है पानीपत में, और जो बाकी जॉब्स हैं 90 जॉब्स बिहार में है। और इसके बाद जो इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं इनकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। ठीक है, और ये है न्यू दिल्ली में। इसका पे ग्रेड भी काफ़ी हाई है क्योंकि इसके लिए आपको फुल बीटेक चाहिए या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जॉब थी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15/1/2018। तो जो भी रिलेवेंट कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए जॉब्स हैं ठीक है वो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि IOCL में पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं और आपकी पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी प्लेसेस पे होती हैं। और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।